पप्पू पप्पू रहेगा। तो पप्पू अगर आप कह रहे हैं तोतला है, कह लो तोतला ही रहेगा, उसका लड़का भी वैभव था वो पप्पू रहेगा। पप्पू अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ पे पनौती भी तो चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी बोलिए आप बताइए। पप्पू है तो पिछली बार भी उन्होंने चेहरा दिया। किसी को पप्पू कहे तो चलेगा, अगर कोई पनौती कहे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? लेकिन क्यों नहीं चलेगा? आप किसी को कह सकते हैं, आपको कोई क्यों नहीं कह सकता? इनका मतलब है सम्मानित, वो प्रधानमंत्री है, वो सम्मानित पर बैठे, किसी को कुछ भी कह दे, किसी को कुछ भी कह दे, मतलब प्रधानमंत्री कुछ भी बोल दे, मूर्खों का सरदार बोल दे, रावण बोल दे, वो सब जायज है। वो सम्मानित पद पे बैठे हैं, उनको अपने अपने पद की गनीमत रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जिनको अपने पद की गनीमत नहीं पता। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपने पद की गनीमत नहीं पता। उनको मूर्ख कहना, मूर्खों का सरदार कहना, या पप्पू कहना, क्या रावण कहना, उनके मुंह से सोवा नहीं देती ये बात। वो प्रधानमंत्री नहीं बोला है, बताइए क्या कहेंगे आप इस पे? क्या पप्पू जो आप बता रहे हैं कि उनको जाना पप्पू, और मोदी जी को इन्होंने क्या क्या बोला है आपका ये नहीं पता है? तो वही कह रहा हूँ। नहीं, क्या बोला है इन्होंने एक प्रधानमंत्री के लिए, जो ना आज जब मनमोहन जी थे पाकिस्तान में, उनको मनमोहन करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री यही जो ना ये क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप कैसे इनको मनमोहन कर सकते हैं? आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? मोदी जी का है, 2024 में मोदी जी आ जाएंगे। क्या पसंद है? अरे उन्होंने जो है ना गरीबों का, या जनधन, इतने राशन, इतने गैस सिलेंडर, और जो है ना देश में जो है ना, जो पूरे देश में जो है ना पूरा रोजगार में, तो इनका क्या काम किया है मोदी जी ने? रोजगार में क्या काम किया है मोदी? किसमें? रोजगार पे। रोजगार पे, रोजगार पे क्या है? रोजगार पे तो कोई भी काम जो है ना करे रोजगार पे, तो बहुत जो पढ़े लिखे आज भी रोजगार उनको मिल रहा है, जो नकल करके यूपी में पास है वो रोजगार बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। कितनी वैकेंसी, कितनी नौकरी दे दी? आंकड़ा दे दो मुझे, आंकड़ा दे दो, कितनी नौकरी दी 9 साल के अंदर? कितनी नौकरी मिली है? जो नौकरी लायक उनको नौकरी मिली है? कैसे नहीं मिली है? आज जो ना ये अग्निपथ जो चालू किया है, इसमें क्या क्या बुरा है क्या इसमें? इसमें जो ना आप उनके उनके लिए जो है ना उनके रोजगार, अच्छा क्या है इसमें बताइए? अच्छा इसमें बहुत बहुत कुछ अच्छा है इसमें, जा, 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 देश को जो ना समृद्धशाली बनाया, मजबूत किया। आज जो ना पूरे देश में मोदी जी को पूछ रहे हैं आज जो ना ये भी जो अग्निवीर में क्या अच्छा है? अग्निवीर में अग्निवीर में ये है कि आप जो ना जो बेरोजगार घूम रहा है वो चार साल पाँच साल करेगा, करने के बाद में कुछ तो पैसा पड़ेगा, जब उसके टैलेंट जब उसको होगा तो BSF में पुलिस में कहीं तो उसको चांस मिलेगा ना। और चार साल के बाद क्या करेगा फिर? चार साल के बाद अपना रोज हो सकता है उसको जो चांस मिल जाए उसमें सेना में जो ना कोई सकता है ना क्या? नहीं, अगर आपका बच्चा हो क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? अरे वो तो रोजगार के लिए उन्होंने लोन भी तो दे रहे हैं कि आप जो है ना लोन करके अपना बिजनेस करिए, आप टैलेंट अपने जो है ना हर तरह से जो है ना उन्होंने सहयोग तो करने का है सभी कोई सबको, जो है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो सबको तो असंभव है। वैकेंसी सरकारी में तो सरकार वैकेंसी खाली, उनका क्या होगा? वो खाली कैसे है? खाली यार आंकड़ा तो है, आंकड़ा है, लेकिन सरकार में आज गवर्नमेंट जो है ना क्या करती है? प्राइवेट में करती है ना काम करने के, गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं कोई, गवर्नमेंट में काम नहीं। आप बैंकों में जाइए जो है ना, तो वहाँ पर जाइए, प्राइवेट जब बैंक में धरने पर बैठ जाते हैं बैंक वाले कि हम वो तो कर रहे हैं, प्राइवेट में आज किसी बैंक में चले जाइए, कहीं भी सेक्टर में चले जाइए, सफाई होती है, काम होता है। हाँ प्राइवेट सेक्टर में काम होता है, नहीं सरकारी को प्राइवेट क्या, उनको क्या हटा रहे हैं क्या? उनको हटा रहे हैं क्या? आज दिल्ली में देखो, जब जिसने प्राइवेट किया आज बिजली की क्या हालत है, क्या मतलब कैसे सुधार हुआ है? पहले कितने देर में कंप्लेन करो, एक मिनट में जो है ना वो आती है। BSES आपकी नजर में जो प्राइवेटेशन किया गया है, निजीकरण किया गया है, वो सही है? सही है, बिल्कुल कैसे सही है बताइए? सही बता तो रहे हैं कि जो काम सर्विस मिल रही है, जो पब्लिक को सुविधा मिल रही है, इसमें जो BSNL होती थी, हाँ सरकारी थी, कितने का रिचार्ज होता था? रिचार्ज होता था 200, 250, 500 का होता था, और कितने एक बात, अच्छा चलो आप 20 रुपए का रिचार्ज, नेट कितना? अब भाई साहब अब वो पहले अब नेट कितना? आज 20 का रिचार्ज होता था कितने दिन करता था? नहीं नहीं 20 का रिचार्ज होता था तो कितने दिन 20 का रिचार्ज होता था कितने? आज जो है ना 200 रुपए का रिचार्ज करके महीना भर अनलिमिट कॉल होती है, अनलिमिट कॉल हो रही है। महंगाई भत्ता सब कुछ, सब आंदोलन कैसे हो रहा? आंदोलन तो कोई भी नहीं करता, आंदोलन है, पेंशन बंद कर दी है मोदी जी ने। नहीं नहीं पेंशन मोदी जी के बोले, राज्य सरकार कैसे, किसकी पेंशन बंद कर दी है? केंद्र सरकार ने बंद, केंद्र सरकार ने आज से थोड़ा बंद है, 2004 से जो है पहले से बंद है वो उसका बंद है मोदी ने, थोड़ा बंद किया है। अरे ऐसा है इनको, इनको पेंशन पेंशन तो अभी बंद हुई है 2000 में नहीं। इनको पता नहीं है मैडम आंकड़ा, इनको आंकड़ा पता नहीं है, क्यों जानकारी नहीं तो आदमी कुछ भी कह दे। अभी बंद हुई है पेंशन, और सबसे बड़ी बात जो रेलवे में 60 साल का
वो छूट मिलती थी वो भी खत्म कर दी। तो ये तो सिर्फ ये है कि बहस करना और चल देना, जवाब सुनना इनके बस की नहीं है और ना इनके पास जवाब देने का काम है। कह रहे हैं कि निजीकरण सही है, उन्होंने कहा, क्या लगता है? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है निजीकरण में जी। भाई सरकारी नौकरी में आदमी जाता था 60 साल बाद रिटायरमेंट की पेंसिल बनती थी, वो खत्म हो गई। 60 प्राइवेट होने में बताओ क्या फायदा हुआ है? ये प्राइवेट करके हमारे देश को क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश को दूसरा गुलाम फिर बनाना चाह रहे हैं क्या? तुम किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? आप किसे बनाना चाहते हैं? तो फिर कैसे आप कर रहे देश बिना प्रधानमंत्री के चलेगा? चलेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगा क्यों नहीं? कौन बनेगा बताओ ना, फेस ऐसा है। अरे ऐसा सुनो मेरी, अरे सुना यार, इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो प्रधानमंत्री की बात करें, राजस्थान में इनके पास चेहरा नहीं है, मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं, बीजेपी के पास इनके पास चेहरा नहीं है, राजस्थान में चेहरा नहीं है। आ गई वो लेडीज होती राजस्थान की, बगावत कर रही है, पूरे चुनाव बगावत कर रही है। पिछली बार सचिन का चेहरा देखे, गहलोत को क्यों बैठाया, सचिन को क्यों नहीं बनाया? 2024 में जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। क्यों चाहती है जनता बदलाव? चाहिए बदलाव, क्यों चाहिए? कि 2000 जब से मोदी सरकार बनी है ना, जब से बहुत कुछ वो जब ही करा था, दो तीन साल उसके बाद फिर नहीं करा। चाहे राशन फ्री बांट लो, चाहे गरीबों को वो दे दो या कुछ भी दे दो, कुछ नहीं हुआ इसमें। और केजरीवाल सरकार भी नहीं बनेगी आपकी, वो भी उस पर भी लात पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री चेहरा किसका होना चाहिए? प्रधानमंत्री चेहरा तो देखो जी, अब सामने आएंगे जब ही आएगा। राहुल गांधी भी है, कांग्रेस में भी है, कई मोदी जी बात भी आएगा। कैसे आएंगे? क्योंकि उन्होंने जो भी अपने जॉब के हिसाब से देख लो, चाहे कैसे भी देख लो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक भी छुट्टी नहीं ली, दिन रात मेहनत कर रहा है वो। उसके कोई विधायक वगैरह को नहीं देख रहे हम, जो प्रधानमंत्री का काम होना चाहिए ना, वो प्रधानमंत्री का अपना काम कर रहा है, वो अपने लेवल पे वो काम कर रहा है वो। हाँ नहीं, 11 बजे वो रात को 2-2 बजे तक कार्य कर रहे हैं वो, और विधायक वगैरह को नहीं देख रहे हम, यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं। विधायक भी तो बीजेपी सरकार का क्या काम किया है, आप ये बताइए। विधायक देखो, विधायक का नहीं, अब जो निर्णय हमारे देश के लेवल पे जो रहना चाहिए ना, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए वो सारे बिल्कुल अच्छे लिए है ना। क्या निर्णय अच्छे लिए है बताइए? अरे जैसे कोई भी उरी का हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, या 370 हटाना हो, और मुसलमानों का 3 तलाक हटाना हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। और अभी 41 मजदूर जो निकाले हैं, कोई भी मोदी जी ने निकाले? हाँ, मोदी जी हर वक्त उनके साथ जुड़े हुए हैं, हर वक्त जुड़े रहे हैं उनको। मजदूर कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आया? नहीं, वहाँ पे वो मुख्यमंत्री था, वहाँ का सीएम धामी, वो तो वो एक ही बार गए थे इतने दिनों में। अरे जा तक फिर इतना टाइम क्यों लगा आप बताइए? वो तो तकनीकी ऐसी होती है हमारी, अगर हम मलबा इतना पड़ा हुआ है, अगर हम मशीन उसमें जब एकदम से ही घुसा देंगे तो तकनीकी बात बताती हूँ मैं आपको। रेड माइनर्स का नाम सुना है आपने, जो हमारे घरों के गड्ढे खोदते हैं, उन्होंने उस टनल को खोदा है और उन्होंने ही 2 घंटे में निकाल दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे नहीं, 2 घंटे में क्या मशीनें फेल हो गई मोदी जी की? नहीं, मोदी जी की मशीन नहीं है वो तो हम मोदी की तकनीक होनी है, वो तो हम लोगों ने मशीनें तो हम लोगों ने बनाई है ना, हमने रिसर्च किया है, तो वो तो हमारा काम है ना, मोदी का होना है। लेकिन जो निर्णय लेना होता है, जो काम करना होता है, वो मोदी नहीं लेता है, और वो मोदी ही आएगा इस बार। 2024 छप्पे वाली वोटिंग करा ले बीजेपी। हाँ ये मतलब ईवीएम से वोटिंग होगी? ईवीएम इससे नहीं चाहिए जनता को, जनता को ईवीएम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ठप्पे वाली वोटिंग करा ले, जो हम जब हम 18 साल के थे ना, जब हमने करी थी, तो ठप्पे वाली वोटिंग करी। नीतीश कौन से जमानत पर घूम रहा है बताओ मुझे? वो तो भगोड़ा है, वो कहाँ से बन सकता है, वो तो पहले ही छोड़ के गया है, वो अपने बिहार में तो एक पुल तो मैं देखना नहीं चाह रहा, मैं इसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं भगोड़ा, जब तुम्हारे साथ गठबंधन रहता है तो भगोड़ा नहीं होता, वो जब तुम्हारे गठबंधन होता है, जब बीजेपी गठबंधन नीतीश होता है, तब वो बहुत ईमानदार होता है, बहुत शरीफ होता है, बहुत सच्चा होता है। जब गठबंधन से बाहर हो जाता है तो वो चोर भी होता है, लुटे भी। अजीत पवार इतना बड़ा घोटालेबाज आदमी, तुमने उसको शामिल कर रखा, उसके 9 विधायक को मंत्री बना दिया, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो अजीत पवार को जेल की वजह तुमने अपनी गोद में बिठा लिया, तो तुमसे बड़ा चोर और तुमसे बड़ा डकैत और तुमसे बड़ा घोटालेबाज इस सरकार में इस टाइम कोई नहीं है, वर्तमान सरकार के अंदर। प्रधानमंत्री के कौन सा फेस है ये? तो अरे बाप, मुख्यमंत्री को बनना चाहिए। अरे सुनो, मैं तो इस चीज पे जवाब, मैंने एक बात की थी कि चुनाव के बाद में चेहरे आते हैं, अगर इन्हें मालूम हो।